पीएम मोदी के तोहफों की नीलामी। कंगना रनौत ने इन दो चीजों पर लगाई बोली, चुनाव लड़ने पर भी दिया जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश दुनिया से मिले 1200 से अधिक उपहारों की ई नीलामी चल रही है, जिसकी तारीख बढ़ाकर 12 अक्टूबर कर दी गई। बता दें कि 17 सितंबर से शुरू हुई ई नीलामी पहले 2 अक्टूबर को समाप्त होने वाली थी। इस कार्यक्रम में रविवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी हिस्सा लिया है। जी हां, और उन्होंने पीएम मोदी को मिले दो तोहफों पर बोली लगाई है। पीएम नरेंद्र मोदी को मिले तोहफों पर बोली लगाने की जानकारी कंगना रनौत ने खुद इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी है और बताया कि उन्होंने राम जन्मभूमि की मिट्टी के अलावा राम मंदिर डिजाइन पर बोली लगाई है। कंगना ने इंस्टाग्राम पर फोटो भी शेयर किए हैं, जिसमें वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को सैल्यूट करते नजर आ रही है। वहीं दूसरी फोटो में वह राम मंदिर डिजाइन के पास नजर आ रही है। कंगना रनौत पर फोटोज शेयर करते हुए लिखा, आज मुझे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यादगार उपहारों और स्मृतियों की नीलामी के कार्यक्रम में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो उन्हें विशेष अवसरों में भेंट किए गए थे। मैंने राम जन्मभूमि मिट्टी और राम मंदिर डिजाइन के लिए बोली लगाई है। आपने किसकी बोली लगाई है? इससे आने वाले पैसे का इस्तेमाल नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा, तो चलिए आप भी हिस्सा लीजिए। जय हिंद। पीएम नरेंद्र मोदी को मिले तोहफों की नीलामी अब 12 अक्टूबर को चलेगी, जो 17 सितंबर से शुरू हुई और 2 अक्टूबर को खत्म होने वाली थी। जी हां, संस्कृति मंत्रालय ने रविवार 2 अक्टूबर को जानकारी देते हुए बताया कि पीएम मोदी के उपहारों की ई नीलामी की आखिरी तारीख बढ़ाकर 12 अक्टूबर कर दी गई है। राजनीति पर कंगना रनौत का नया बयान। वही मीडिया से बातचीत के दौरान कंगना रनौत से एक बार फिर राजनीति में एंट्री करने पर सवाल किया गया है। इस पर कंगना रनौत ने कहा कि उनका फिलहाल राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है। वह एक एक्टर के नाते काम करती हैं और राजनीति में रुचि रखती हैं। उनका काम है कि वह फिल्मों के जरिए राजनीति पर अच्छी फिल्में बनाए। एक्ट्रेस ने आगे कहा, मैंने अपना करियर 16 साल की उम्र में शुरू किया था और अब बहुत संघर्षों के बाद इस मुकाम पर पहुंची हूं। मेरे पास एक नया करियर शुरू करने की क्षमता नहीं है, लेकिन हाँ, मैं राजनीति में अपनी रुचि को ध्यान में रखते हुए हमेशा अच्छी फिल्म बनाऊंगी। मेरी राजनीति मेरे काम में ही दिखेगी। जो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, हम उनकी सेवा में तत्पर हैं। जो देश की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए हर तरह का प्रचार करेंगे, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। अभी मेरा चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। बता दें कि इससे पहले मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने कंगना रनौत के चुनाव लड़ने के सवाल को लेकर अपने जवाबी बयान से सियासी सनसनी बढ़ा दी थी। हुआ यूं कि मीडिया ने हेमा मालिनी से बॉलीवुड की क्वीन के मथुरा से लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर सवाल पूछा था। इस पर दिग्गज अभिनेत्री ने ताना मारते हुए कहा कि यह अच्छा है, आप चाहते हैं कि केवल बॉलीवुड अभिनेत्रियों ही चुनाव लड़े, कल राखी सावंत को भी लाएं, वह भी बन जाएंगी। वैसे कंगना रनौत बीजेपी की विचारधारा के काफी करीब नजर आती हैं और पार्टी के बड़े नेताओं में से भी उनके अच्छे रिश्ते हैं। हालांकि अब उन्होंने साफ कर दिया है कि फिलहाल राजनीति में हाथ आजमाने का कोई इरादा नहीं है।